मॉडल रखें। वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम सिविलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम। होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। सब्जेक्ट कंप्यूटर, क्लास 6, यूनिट नंबर वन, हार्डवेयर बेसिक्स। टुडे वी विल स्टडी हार्डवेयर बेसिक्स सिस्टम यूनिट। हार्डवेयर बेसिक में सबसे पहले जो चीज़ हमारे सामने आएगी, दैट इज सिस्टम यूनिट। ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ब्लैक कलर का, यूजली ब्लैक कलर का ही होता है, और बेसिकली ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो ये कंप्यूटर का फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा व्हाट इज सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट इज अ प्लेस वेयर प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस। ये वो जगह होती है जहाँ कंप्यूटर की जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मदरबोर्ड शेप। देखिए इसकी मदरबोर्ड किस तरह का है। इसमें गीगाबाइट यहाँ पर ये भी आपको नज़र आ रहा है, और इसमें सिलिकॉन की चिप्स भी नज़र आ रही हैं। और इसके होता क्या है, मदरबोर्ड और सिस्टम बोर्ड इज अ मेन सर्किट बोर्ड। ये क्या होता है, ये मेन सर्किट बोर्ड होता है। ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर प्लग आर कनेक्टेड विद इट। अब कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, वो जाकर यहाँ पर प्लग इन होते हैं और यहाँ से कनेक्ट होते हैं। ओके, देन प्रोसेसर। ये देखें, ये प्रोसेसर है। प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर वर्क्स लाइक ह्यूमन ब्रेन। ये ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है। इट इज अ सिलिकॉन चिप। ये सिलिकॉन चिप होती है फिक्स ऑन द मदरबोर्ड, जो कि मदरबोर्ड पर फिक्स होती है। इट इज आल्सो नोन एज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको सीपीयू भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या होती है। मैंने अभी जब आपको मदरबोर्ड की पिक दिखाई थी तो मैंने कहा था कि यहाँ पर सिलिकॉन चिप होती है। ये देखें, यहाँ पर सिलिकॉन चिप इसके अंदर मौजूद है, और ये मदरबोर्ड है। तो अभी हमने जो देखा इसको, प्रोसेसर को, तो प्रोसेसर की चिप कहाँ पाई जाती है, वो मदरबोर्ड पर होती है, और इसको हम सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी की यहाँ पर टू टाइप्स आती हैं, इसमें टू कंपोनेंट्स मेमोरी के डिस्कस करते हैं, रैम एंड रोम। आपने यूजली सुना होगा मेरे कंप्यूटर की रैम कम है, मेरे कंप्यूटर की रैम बढ़ानी है, मेरे कंप्यूटर रैम बेसिकली और मेरे कंप्यूटर में रोम इतनी है। रैम बेसिकली क्या होती है, ये स्टोरेज डाटा होता है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको क्या बोलते हैं, रीड विद मी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ टेम्प्रेरी स्टोरेज। ये टेम्प्रेरी स्टोरेज होती है, एरिया फॉर डाटा बिफोर एंड आफ्टर इट इज़ प्रोसीड, इट इज़ अटैच टू द मदरबोर्ड। जब आप प्रोसेसर में किसी प्रोसीजर में जाते हैं तो डाटा पहले रैम में ही जाता है, यहीं से आप प्रोसीजर स्टार्ट होता है, और जब वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है, तब भी डाटा यहाँ पर मौजूद होता है। इट इज़ अटैच टू द मदरबोर्ड। ये किसके साथ अटैच होता है, मदरबोर्ड के साथ। मैंने आपको बताया ना, उनके मदरबोर्ड जो होता है मेन सर्किट बोर्ड होता है, तो रैम भी मदरबोर्ड के साथ अटैच होता है। रोम, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ अ परमानेंट स्टोरेज एरिया, इट इज़ फिक्स ऑन द मदरबोर्ड। यह परमानेंट, वो मैंने आपको बताया ना, रैम जो है टेम्प्रेरी होता है, रोम जो होता है परमानेंट स्टोरेज एरिया होता है, और ये भी कहाँ होता है, मदरबोर्ड पे फिक्स होता है। मैंने आपको बताया था ना कि मदरबोर्ड जो है मेन सर्किट बोर्ड है, ठीक है। तो यह रोम भी कहाँ पाया जाता है, यह भी मदरबोर्ड पर फिक्स होता है। ओके, देखिए आपको रैम नज़र आ रहा है, ये मदरबोर्ड पर फिक्स है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टू बी कंटिन्यूड मीन अभी हम इसका नेक्स्ट लेक्चर दोबारा कंटिन्यू करने लगे हैं, जिसमें बाकी हम कंप्यूटर के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।